अल्लाम नमस्कार, मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय लेकर जिसको तूफ़ानी तरीका बोलते हैं। जी हाँ, जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, खिलाफ़ करना चाहते हो, तो एक कागज़ पर नाम लिखकर इस चून में डाल दें, आटे में डाल दें 24 घंटे के लिए। जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहोगे, दूर करना चाहोगे, वो हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएगा। इतना सिंपल सा ये उपाय है। तो यदि आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो यकीनन किसी भी दो लोगों में नफरत हो जाएगी और हमेशा के लिए दोनों लोग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सिंपल सा ये उपाय है। आप यकीनन एक बार इस उपाय को कीजिए, फ़ायदा लीजिए। कैसे करना है ध्यान से देखिए ताकि एक एक चीज़ आपको साफ साफ समझ में आए। और जिस भी दो लोगों को आप अलग करना चाहते हो, दूर करना चाहते हो, एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हो, तो उसको आप एक दूसरे से दूर कर सके, खिलाफ कर सके। कैसे करना है उपाय ध्यान से देखिए। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, आपको आसानी से घर बैठे 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 बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। कैसे करना है उपाय अच्छे से ध्यान देखिए। सबसे पहले आपको एक कागज़ लेना और कागज़ पर अपना सिंपल सा एक नाम, जिसका इंसान का नाम है तारा, लड़की का तारा, और हमें क्या करना है, उदाहरण के तौर पर लड़के का नाम है तौसिफ, तो सिर्फ प्लस और यहाँ पर माँ का नाम, ठीक है। माँ का नाम हम ज़्यादातर इस वजह से ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। ऐसा करने के बाद आपको तीन बॉक्स बनाने हैं, ठीक है। सिंपल सा उसमें तीन का नक्श, सभी बॉक्स में तीन, इधर 7 7 7 7 1 1 1 1 1, इस तरीके से आपको करना है। करने के बाद सिर्फ सिंपल सा तरीका है इसका, इसमें दीजिए और इसमें आटे में इसको डाल दीजिए और इसमें रख दीजिए इसको, इसके ऊपर आटा डाल दीजिए। अच्छी तरीके से आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर आटा आपको डाल देना है, बस इतना काम करना है। दो लोगों में नफरत इस कदर बढ़ जाएगी कि दोनों में ना लफड़े हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और एक दूसरे से दोनों लोग दूर हो जाएंगे, खिलाफ हो जाएंगे, दोनों लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी। बहुत आसान उपाय है, कीजिए, फ़ायदा लीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्त।